दोस्तों 9 अक्टूबर 2021 को लखनऊ से मुंबई जाने वाली पुष्पक एक्सप्रेस ट्रेन में लोग सवारी करने के लिए, मुंबई जाने के लिए, मजदूरी करने के लिए उसमें बैठ जाते हैं। बैठने के बाद ट्रेन थोड़ी ही आगे निकलती है, एक छोटा सा स्टेशन इगतपुरी पड़ता है, वहां से 8 लड़के ट्रेन में घुस जाते हैं। घुसने के बाद थोड़ी देर शांत रहते हैं, फिर जो उन पर असलाह होते हैं, किसी पे पिस्टल, किसी पे तमंचा, किसी पे चाकू, लोगों पर तान देते हैं। लोगों पर जब तानते हैं तो लोग चुपचाप रहते हैं। लूटपाट करते हुए उस बोगी में आगे बढ़ते जा रहे थे दोस्तों, विरोध कोई नहीं कर रहा था, उसमें जीआरपी का जवान कोई नहीं था दोस्तों। उसके बाद में एक नवविवाहिता 20 वर्ष की बहुत सुंदर महिला होती है, उस पर नजर एक बदमाश की पड़ती है। जब उसे लूटने की कोशिश करता है तो वो विरोध करती है, विरोध करने के चलते वो 8 इकट्ठे हो जाते हैं और उस के पति के सामने, और पति विरोध करता रहा, 2 गुंडों ने उस पर तमंचा, पिस्टल उसकी कनपटी पर रख दी और उस महिला के साथ बारी बारी से रेप करना शुरू कर दिया। दोस्तों ये कहानी बड़ा ही दर्दनाशक है, इसे कहानी को एक बार अवश्य सुनिए, ये कहानी बड़ा ही इंटरेस्टिंग है। दोस्तों नमस्कार, प्रणाम, मैं हूँ प्रेम यादव। जो कहानी तो मैं सुनाने जा रहा हूँ इसी उत्तर प्रदेश की है दोस्तों। 9 अक्टूबर 2021 शुक्रवार को लोग अपने घर से मुंबई जाने के लिए, अहमदाबाद जाने के लिए, नौकरी करने के लिए घर से चल पड़ते हैं दोस्तों। उसके बाद में लखनऊ से जो मुंबई जाती है पुष्पक एक्सप्रेस में लोग पहले से बैठ जाते हैं, सीट पा लेते हैं और ट्रेन भी खचाखच भर जाती है, वहीं से ट्रेन चलती है, लोग जिसमें सवार हो जाते हैं दोस्तों। ट्रेन थोड़ी दूर चलती है, चलने के बाद एक स्टेशन पड़ता है इगतपुरी, जहां ट्रेन रुक जाती है। रुकने के बाद और उसमें 8 लड़के चढ़ जाते हैं, जो स्लीपर बॉगी होती है D2 में, इगतपुरी से ही उसमें बैठ जाते हैं। लेकिन जब तक ट्रेन नहीं चलती है तब तक वो बिल्कुल नॉर्मल तरीका से रहते हैं। नॉर्मल तरीका के रहने के बाद दोस्तों ट्रेन जब चलने लगती है तो अपने अपने असलाह, अपने अपने हथियारों को निकाल लिया जाता है। निकालने के बाद वो लोगों से लूटपाट करते हुए, किसी से पैसा, किसी से कुछ, मोबाइल, कुछ भी मिलता है वो ले लेते हैं। लेकिन चारों तरफ से खिड़की को सील कर दिया जाता है, कोई उतरे ना ही कोई आए, क्योंकि जीआरपी का जवान उस समय उसमें मौजूद नहीं था दोस्तों। जब लूटपाट करते हुए वो आगे बढ़ते जा रहे हैं, कुछ नशे में भी धुत होते हैं वो लड़के, और एक महिला नवविवाहिता होती है जिसकी उम्र 20 वर्ष होती है, बहुत सुंदर लड़की होती है। उस लड़की को जैसे ही वो देखते हैं और लूटने की कोशिश करते हैं तो वो लड़की विरोध करती है, क्योंकि थोड़ा बहुत गहना भी पहने हुए थी, नया विवाह हुआ था दोस्तों। जैसे ही वो विरोध करती है, उसका पति विरोध करता है, तो पति को भी मारपीट करने लगते हैं। लेकिन बोगी के अंदर सिंगल आदमी विरोध नहीं कर रहा था, बुरा हाल था, उस महिला चीख रही थी, लेकिन लूटपाट करने के साथ साथ वो गुंडे उसकी इज्जत से खेलना शुरू कर देते हैं। पहले उस महिला को पकड़ते हैं, पकड़ने के बाद उसी की सीट पर गिरा लेते हैं, उसके पास और भी होते हैं और उसके साथ बलात्कार करना शुरू करते हैं। एक आता है, रखवारी करता है, 4 खड़े हैं, बलात्कार करते हैं, निकल जाते हैं। उस महिला के साथ वो दरिंदगी हुई थी जो किसी के साथ नहीं होने चाहिए। महिला चीख रही थी, चिल्ला रही थी, लेकिन कोई सुनने वाला नहीं था। सब लोग मानो ऐसे बैठे थे कि इनकी जबान पर किसी ने टेप लगा दिया हो, जबान चुपक गई हो, कोई बोलने की जरूरत नहीं रखता है दोस्तों। उसके बाद में उसका पति विरोध करता है तो पति को भी 2-4 तमाचे, उनकी कनपटी पर तमंचा रख देते हैं, उसी के सामने उस महिला के साथ बलात्कार शुरू होता है दोस्तों। वो तांडव मचाते हुए बहुत भयंकर अल्जाम देते हैं और अगला स्टेशन कसारा आने वाला होता है। कसारा स्टेशन से पहले ही लोग, उसमें से ट्रेन स्लो होती है तो आवाज लगाना शुरू कर देते हैं लोग दोस्तों। आवाज जैसे लगाते हैं तो वो गुंडे उन लोगों पर भी सतर्क हो जाते हैं, उन लोगों पर भी तमंचा तान देते हैं, लेकिन लोग मौन रह जाते हैं दोस्तों। उस महिला के साथ बलात्कार करने के बाद उसी स्टेशन पर, कसारा पर उतरने के लिए तैयार हो जाते हैं।
जैसे ही खिड़की पर पहुंचते हैं तो लोग तुरंत ही जीआरपी के जवानों को आवाज लगाते हैं और उसमें से हड़बड़ाहट होती है। जैसे ही भागा दौड़ी होती है तो तुरंत ही जीआरपी के जवान जो स्टेशन पर थे दो चार बोगी से उतरते हैं और चार लड़कों को तुरंत ही पकड़ लिया जाता है उस सवारी के कहने के अनुसार, और उन्हें पूरी हरकत बताई जाती है कि इन लोगों ने इसके साथ, इस महिला के साथ वो बलात्कार किया है और हम लोगों से उन्होंने पैसा लूट लिया है। दोस्तों, पैसा की ये बात सुनते ही जो जीआरपी के जवान होते हैं अपने एक्शन में आ जाते हैं। लोगों ने बताया कि लगभग 96,300 रुपए की लूट की है, जिसमें से जो जीआरपी के जवान होते हैं 34,000 कुछ रुपए उन लोगों से बरामद भी हो जाता है। दोस्तों, उन लोगों को जब जीआरपी के लोग पकड़ लेते हैं और उसमें सवारी बैठी हुई होती है, उनसे पूछा जाता है तो वो लोग एक एक वाक्य कहते हैं कि नखलऊ से हम लोग मुंबई अपने नौकरी के लिए जा रहे थे, तभी इगतपुरी स्टेशन पर ये गुंडे स्लीपर बोगी D2 में चढ़ जाते हैं। थोड़ी देर तक शांत रहते हैं, शांत रहने के बाद अपने अपने तमंचा, इनके पास जो भी होता है वो निकाल लेते हैं। निकालने के बाद और हम लोगों को ऊपर तान देते हैं। तानने के बाद एक एक करके लूटपाट करते हैं, किसी का मोबाइल ले लिया है, किसी की नकदी छीन ली है, किसी की चैन भी ले ली है और एक 20 वर्ष की जो युवा लड़की थी जिसका विवाह नया हुआ था अपने पति के साथ, वो मुंबई जा रही थी, उसके साथ इन लोगों ने सामूहिक बलात्कार किया, उसके पति को भी मारपीट की। जब उस लड़की से बयान लिया गया तो लड़की रो रो करके, उसका बुरा हाल था, वो हर एक बात बताने में असमर्थ थी। दोस्तों, उसका पति भी रोता चिल्लाता कहता है कि मेरी पत्नी की इस प्रकार से बेइज्जती की गई है। दोस्तों, ये बात सच है, पति कैसा भी हो पत्नी की बेइज्जती और होते नहीं दे सकता, क्योंकि दुनिया में अगर कुछ भी है तो उसकी स्त्री दाव पर है, जमीन और जोरू के ऊपर इंसान मर मिट जाते हैं। लेकिन उन लोगों के साथ पुलिस एक्शन लेती है, धाराएं लगाकर, मुकदमा लगाकर उन्हें जेल में डाल दिया जाता है। दोस्तों, सबसे इस कहानी का सार ये है कि कहीं भी जाइए, किसी जगह जाइए, क्योंकि आजकल हर जगह किसी पर भरोसा नहीं करना चाहिए। तुम्हारे पक्ष में कोई नहीं बोल सकता, दो गुंडे आ जाएं, विदेश जा रहे हो, चाहे वो भीड़ कितने भी लाखों की हो, लेकिन तुम्हारा साथ उस समय नहीं दे सकती है, क्योंकि अपनी मौत कोई नहीं चाहता कि मेरी मौत हो जाए। गुंडे तो अपनी हथेली पर काल रख कर के घूमते हैं, कब मौत आ जाए, क्या हो सकता है, क्योंकि पत्नी सबसे इज्जत अगर दुनिया में है तो तुम्हारी पत्नी की है, तुम्हारी बीवी है, और तुम्हारे सामने अगर कोई गंदा काम करे तो तुम उसे सहन नहीं कर सकते हो। दोस्तों, उस महिला के साथ बई हुआ, महिला और उसका पति पुलिस के सामने रो रो करके उनका बुरा हाल था, अपनी एक एक बात को बता रहे थे। 9 अक्टूबर 2021 को वो मुंबई मजदूरी के लिए जा रहे थे। दोस्तों, इस प्रकार से उन लोगों की इज्जत को लूटा गया था। दोस्तों, इस कहानी को सुनाकर किसी को परेशान करना नहीं, किसी का दिल दुखाना नहीं, केवल आप लोगों को जागरूक और सचेत करने का मेरा उद्देश्य है। पुलिस वालों ने उनकी इज्जत बचाई बात। दोस्तों, नमस्कार, जय हिंद, जय भारत, अपना ख्याल रखिए।